लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। बुधवार को राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का पुतला जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, यूपी के मंत्री रघुराज सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं के द्वारा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री का पुतला जलाकर दोनों नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग की है। जैसा कि हम सभी को पता है, भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के बारे में जिस प्रकार से भाजपा और शिवसेना के नेता अन्नागल टिप्पणी कर रहे हैं, जो इंच में भी नहीं है, फिट में भी नहीं है, लेकिन सबको एक पब्लिक सिटी स्टंट करना है, अपने आप का नाम पब्लिक में बार बार दिखे, इसलिए कुछ ऐसा बोलो जिससे कि फेमस हो जाएं। ऐसी कुछ हरकत भाजपा के और शिवसेना के नेता कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि देश के केंद्रीय राज्य रेल मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की गई, शिवसेना के नेता संजय गायकवाल के द्वारा जो टिप्पणी की गई, यूपी के श्रम मंत्री के द्वारा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई, लेकिन ना उनकी पार्टी के द्वारा, ना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा, ना इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला, किसी ने भी उस टिप्पणी के खिलाफ ना तो सॉरी बोला, ना माफ़ी मांगी, ना उसके खिलाफ ये बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य किया गया, उस सब की पूरी यूथ कांग्रेस भारत की, मध्य प्रदेश की और भोपाल की निंदा करती है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए आज हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, शिवसेना के संजय गायकवाड़ का, और रेल मंत्री जो देश के हैं उनका, राज्य मंत्री और श्रम मंत्री, इनका आज हमने यहाँ पे पुतला दहन किया। हाँ, ये तो हमें पता है कि जो भी प्रशासन है, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस हो या संवैधानिक पद पर बैठे बाकी लोग, जिस प्रकार से दुरुपयोग संविधान का कर रहे हैं, और ये सब के सब कठपुतली बनकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, जब वही की वही चीज मुंबई में सेम FIR हो सकती है, तो हमारे भोपाल के मध्य प्रदेश में FIR करने में क्या दिक्कत थी, ये समझ से परे है। हालांकि हमने कल पुलिस प्रशासन को भी चेताया है कि हमने आपको आवेदन दिया, उसको रोज नामचे में लिखवाया है, लिखवाने के अलावा उन्होंने हमसे 14 दिन का जांच का समय मांगा है। हमेशा की तरह प्रशासन का काम है टालने का, लेकिन उनको चेतावनी देके कहा गया है कि अगर आपकी बार आपने टालने की कोशिश करी और 14 दिन में FIR नहीं करी, तो ये लड़ाई कोर्ट के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और रोडों पर भी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे लड़ने वाली है।